हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेकअप ब्रशेस। कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्लैक स्मोकी आई वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। तो चलिए देख लेते हैं गाइस, ये मैंने ब्लैक स्मोकी आई वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मेकअप में सबसे पहले मैं यहाँ ये स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर मेकअप बेस ले रही हूँ। मैंने ये थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया है और इसको मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। अब मैं यहाँ अपने डार्क सर्कल्स को कलर करेक्ट करूँगी सबसे पहले। तो उसके लिए मैं यहाँ ये एले गर्ल का न्यूड कंसीलर ले रही हूँ। इसमें पीची अंडरटोन है तो मेरे डार्क सर्कल को बहुत अच्छे से हाइड कर देगा। तो अपने डार्क सर्कल्स को मैं अब हाइड कर लेती हूँ। मैंने कलर करेक्टर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यहाँ फाउंडेशन यूज करूंगी। तो फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ ये मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन ले रही हूँ। गाइस, मैंने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यहाँ कंसीलर यूज करूंगी। तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर ले रही हूँ। मैं अपने कंसीलर को सेट करने के लिए ये लैक्मे का 9 to 5 लूज फिनिशिंग पाउडर ले रही हूँ और इससे मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूंगी। मैंने अपने फेस को अच्छे से सेट कर लिया। मैं यहाँ ब्लू हेवन की ये आरिस्टो आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ। आईब्रोज मैंने फिल कर ली हैं। आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज कितनी नेचुरल और कितनी अच्छी लग रही हैं। तो गाइस, अब मैं यहाँ स्टार्ट करूँगी आई मेकअप। वैसे आई मेकअप मुझे पहले करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। तो आई मेकअप के लिए मैं यहाँ ये निका के का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ और उसमें से मैं ये येलो और ऑरेंज शेड को मिक्स करके अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन करूँगी। गाइस, मैंने अपनी क्रीज लाइन अच्छे से डिफाइन कर ली है। अब मैं यहाँ ये स्विस ब्यूटी का 8 मूज आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। एकदम से बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेना है गाइस, थोड़ा थोड़ा लेना है, थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करते हुए ब्लेंड करते जाना है। सो गाइस, मैंने आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और अपनी क्रीज लाइन के आई शेडो को इस ब्लैक लाइन के आई शेडो के जो बीच में ये लाइन बन गई ना, हार्श लाइन, इसको ब्लेंड करूंगी। इससे ये निका के का ऑरेंज आई शेडो वापस ले रही हूँ, येलो के साथ मिक्स करके ब्लेंड करना है हमें जब तक हमें अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाता। मैंने आई शेडो अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं गाइस, कोई भी हार्श एजेस अब नहीं दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ काजल यूज करूंगी। तो काजल के लिए मैं यहाँ ये NYBA का काजल ले रही हूँ। काजल मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है गाइस। अब मैं ये ऑरेंज और येलो कलर लूंगी और अपनी लोअर लैश लाइन पे काजल के साथ स्मज कर लूंगी। मैं यहाँ लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ और मैं एक ब्रश ले रही हूँ, पाउडर ब्रश, उससे मैं सारा फॉल आउट हटा लूंगी। मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूंगी और ब्लश अप्लाई करूंगी, हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। तो उसके लिए मैं ये ऑल इन वन आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट। ये ब्राउन कलर ले रही हूँ एक कॉन्टोर ब्रश पर और मैं उससे कॉन्टोर करूंगी अपना फेस। अब मैं एक ब्लश ब्रश ले रही हूँ और इस कॉरली पीची ब्लश इस ब्रश पर लेके एक्सेस टैप करके हटा दूंगी और इसको अप्लाई कर लूंगी। मैंने ब्लश अच्छे से अप्लाई कर लिया है गाइस। अब मैं सेम पैलेट से ये वाइट हाइलाइटर और ये ब्राउन हाइलाइटर, इन दोनों को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा अपने फेस को हाईलाइट कर लूंगी।
मैं मस्कारा यूज़ करूँगी, तो मस्कारा के लिए मैं यहाँ ये मेबिलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा ले रही हूँ। अब मैं यहाँ आईलाइनर यूज़ करूँगी, तो आईलाइनर के लिए मैं यहाँ ये मेबिलिन का कलरसल आईलाइनर ले रही हूँ और मैं एक अच्छा सा विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक लिए मैं यहाँ ये स्विस ब्यूटी की नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक ले रही हूँ। यहाँ सेटिंग स्प्रे अप्लाई करूँगी फाइनली, तो सेटिंग स्प्रे के लिए मैं यहाँ ये स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ। तो गाइज यहाँ कंप्लीट होता है मेरा मेकअप। अब मैं अपनी ज्वेलरी और अपना हेयर स्टाइल कम्प्लीट करके मिलती हूँ आपसे। तो गाइज यहाँ कंप्लीट होता है मेरा ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। आई होप आपके ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ये आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन पर भी हिट करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल।